शहर को सट्टा रहित बनाने के लिए एसएसपी अशोक कुमार शुक्ला ने निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत आज थाना उत्तर में पुलिस की बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जहां पर एक सट्टा माफिया को गिरफ्तार किया तो वहीं दूसरा सट्टा माफिया फरार हो गया। गिरफ्तार किए गए सट्टा माफिया के कब्जे में 34,000 की धनराशि सहित 3 सट्टे की पर्ची, एक फर्जी आधार कार्ड, एक मोबाइल भी बरामद किया। कल थाना उत्तर प्रभारी को मुखबिर ने सूचना दी कि एक मोहल्ले चोरी छिपे काफी समय से सट्टा का कारोबार चला रहा है। वैसे ही रात्रि लगभग 9 बजे पुलिस टीम ने सट्टा माफिया के यहाँ छापा मारा तो दो लोग मिले, जिसमें एक व्यक्ति मौके से फरार हो गया तो वहीं दूसरा सट्टा माफिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। देखिए फिरोजाबाद से सौरा सिंह की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। तो उसमें छोटे छोटे लोगों को फंसा करके सट्टा कराते हैं। सट्टे के खिलाफ हमारा अभियान लगातार चल रहा है, हमारी पूरी कोशिश है और हम सफल भी हैं। इक्के दुक्के मिल रहे हैं, बीन बीन के इनके खिलाफ कार्रवाई हम कर रहे हैं। ये छोटू और प्रियांशु अग्रवाल ये पकड़े गए हैं, 34,000 रुपये, 3 ये पर्ची, ये जो इस तरह से लिखते हैं पर्चियाँ, आप लोग देख सकते हैं इस तरह की पर्चियाँ लिखते हैं ये, और अब मोबाइल का ज़माना आ गया है, ये मोबाइल से काम करते हैं, फर्जी आधार कार्ड बना लेते हैं, इस तरह से देखिए फर्जी आधार कार्ड बना लेते हैं, जो पकड़ा जाए ये बता देंगे, और इनके साथ मोबाइल भी पकड़ा गया है, 34,000 रुपये पकड़े गए हैं। और मूल बात जो है कि कौन कराता है, मेरा ध्यान उस पर है, जिन्होंने नाम तो बताया रिजवान, नंबर भी बताया, लेकिन ये जानते नहीं कौन कराता, असली बात ये है इन्हें पता ही नहीं कौन कराता है। तो अब हम रिजवान के माध्यम से आगे बढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉनिकली देखें कौन है, मुझे वहाँ तक पहुँचना है कि बीच के आदमी है जो कराता है, इतना साथी रहे, कभी किसी को अपना पता भी नहीं देता। मुझे पूरा संदेह है कि नाम भी गलत होगा, नंबर भी किसी के नाम से होगा। हमें वहाँ तक अच्छी तरह से अपनी टीम लगा के पहुँचना है और ये बहुत अच्छी कार्रवाई उत्तर ने किया है, उनको पकड़ा है और ये अभियान जारी रहेगा। हम सट्टे को नष्ट करेंगे। सर कितने वर्षों से काम करता था ये सट्टे का?